ओम शांति। पवित्रता के सागर शिव बाबा ने हम सभी को पतित से पावन बनाने के लिए राजयोग सिखाया, साथ ही साथ हमारे मूल स्वरूप की स्मृति भी दिलाई। कहा, मूल रूप में तुम पवित्र आत्माएं हो। सत्य तो यही है कि बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं सभी आत्माओं को अपनी मूल पवित्र स्थिति में ले जाकर इस संसार को और प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए। उसने यज्ञ रचा है इस संसार में फिर से पवित्रता की स्थापना के लिए। पवित्रता में ही बहुत बड़ा बल है। भगवान वाच्य है कि तुम्हारे पवित्रता और योग के बल के बाद ही आत्माएं खींच खींच कर तुम्हारे पास आने लगेंगी। तो प्रकृति को पावन करने वाला बल पवित्रता का बल है। हमारी बुद्धि को डिविनाइज करने वाली शक्ति पवित्रता की शक्ति है। हमारे अंदर रॉयल्टी लाने वाली शक्ति भी, हमारी पर्सनालिटी को आकर्षक और चमकदार बनाने वाली भी प्योरिटी ही है। तो पवित्रता को बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे स्वमान दिए, जैसे तुम पवित्रता के फरिश्ते हो, तुम पवित्रता के देवता हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम पवित्रता के सूर्य हो। वैसे ही जैसे हमने और स्वमान के बारे में स्वीकार करने की बात की, इस स्वमान को भी स्वीकार करें, क्योंकि आत्माएं लंबे काल से अपवित्रता में रही हैं। पवित्रता के बारे में संपूर्ण अविद्या मनुष्य को हो गई है। आत्मा जैसे अज्ञान के अंधकार में अपवित्रता की ओर भटक गई है। तो बाबा याद दिलाते हैं, नहीं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो परम पवित्र हो। तो जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसने पवित्रता का भी हमें वरदान दिया। जैसे शक्तियों की गिफ्ट दी, वैसे ही पवित्रता का वरदान दिया। हम इस वरदान को स्वीकार कर लें, स्वीकार करें सभी। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये पवित्रता मेरे साथ परमात्म वरदान है। मुझे इस वरदान को यूज करके संपूर्ण जगत को पावन बनाने में बाबा को मदद करनी है। इस पवित्रता के वाइब्रेशन से ही मुझे संपूर्ण प्रकृति को भी पावन बनाना है। प्रकृति में जो भी गिरावट आई, वो अपवित्रता की ही देन है। बहुत सुंदर ये स्वमान है, ध्यान देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम इस स्वमान का बहुत अच्छी तरह डीपली अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर छुपी हुई गंदगी अपवित्रता बाहर निकलने लगती है, व्यर्थ संकल्पों के रूप में, स्वप्नों के डिस्टरबेंस के रूप में। हमें उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की शुद्धिकरण का ही मार्ग है। सब गंदगी बाहर जा रही, जाने दें उसे। बार बार अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, तो कुछ ही समय में चित्त संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा।
मैंने 1982 में प्रथम बार सुना, अव्यक्त मुरलियों में अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरी समझ में आ गई, वो पकड़ में आ गई कि तुम बच्चे ये सोचते हो कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, परंतु तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत अच्छी लगी ये बात, मैं परम पवित्र हूं। और मैंने देखा, महसूस हुआ कि जैसे ही हम इस स्मृति और नशे को अपने अंदर लाते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो ऐसा लगा कि हमारे अंदर की इम्प्योरिटी, सेक्सुअल हार्मोन्स जैसे जल के नष्ट हो रहे हों, इस स्वमन से हमारे अंग अंग शीतल होते हैं। जब हम इस स्वमान में स्थित होते हैं तो आत्मा से पवित्र वाइब्रेशन सारे शरीर में फैलते हैं, मस्तिष्क में फैलते हैं और कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाते हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी प्राप्ति है ये कि हमारे अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाएं। योगियों के अंग अंग शीतल होते हैं, अंग अंग में जो अपवित्रता की बदबू है, अंग अंग में जो अपवित्रता की अग्नि है, जो जला रही है उन्हें, उसको हम शांत कर देते हैं इस स्वमान से कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो इसको हमें बहुत बढ़ाना है और इस स्वरूप में स्थित होकर कर्मेंद्रियों को, पूरे शरीर को, मस्तिष्क को सफेद प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। उसी तरह अभ्यास करें, चलें, लिखें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मेरी पवित्र किरणें सारे जहान को पवित्र कर रही हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, कमलासन पर विराजमान हूं, पवित्रता की दिव्यता मेरे पास है। पढ़ें पहली बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जाने दें इसको अपने अंतर्मन में, स्वीकार करें अंतर्मन इसको, संपूर्ण विश्वास के साथ जाने दें। फिर दोबारा पढ़ें, यही संपूर्ण सत्य है कि मैं परम पवित्र हूं। फिर तीसरी बार पढ़ें, स्वयं भगवान ने कहा है तुम परम पवित्र आत्माएं हो, तुम पवित्रता के सूर्य हो, तुम्हारे इस प्रकाश से ही ये जग प्रकाशित होने वाला है। स्वीकार करें इस तरह, मैं हूं, क्योंकि पवित्रता ऐसी बात है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो संसार में तो प्राय असंभव माना जाता है। केवल बाबा ने ही आकर हम सभी को पवित्रता को घर गृहस्थ में रहते हुए सरल बनाया, क्योंकि उसने हमें कुछ वरदान दे दिए, उसने हमें हमारे मूल स्वरूप की स्मृति दिलाकर उस स्वरूप को जागृत कर दिया, हमारे मूल संस्कारों को जागृत कर दिया है, तो हमारे लिए ये सहज हो गया है। और सहज बनाने के लिए हम इस स्वमान का बार बार अभ्यास करेंगे और इसके कुछ प्रयोग करेंगे जीवन में। मैं आपको कुछ अच्छे प्रयोग बता देना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत लाभ होगा, जो मैंने बहुतों से कराए हैं। देखिए, एक पहला सुंदर प्रयोग, हमें जानना चाहिए कि हमारी बुद्धि की श्रेष्ठता, उसकी तीव्रता,
प्योरिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मैं बहुत सारे उन स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनसे कई चीजें पूछने के बाद पता चलता है कि उनके पास बहुत अच्छी पवित्रता है। ऐसा शायद ही कोई एक दो केस देखा हो जो पवित्रता में भी ढीले ढाले हैं और थोड़े होशियार भी हों। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर कोई विद्यार्थी अपवित्रता में बहुत चला गया है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का पतन हो रहा है। पहले वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, अब बड़ा होने पर उसकी बुद्धि डल हो रही है, क्योंकि बुद्धि की खुराक ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है। इसलिए हमारे भारतीय कल्चर में चार जो आश्रमों में मुनियों ने ऋषियों ने हमारे इस समाज को एक मनुष्य को बांटा था, वो बड़ा उपयोगी था कि जब तक 25 साल विद्यार्थी काल है तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है, क्योंकि बिना पवित्रता के किसी की भी मेमोरी पावर बहुत शार्प नहीं हो सकती। उसकी बुद्धि की ग्रहण शक्ति, उसकी एकाग्रता की शक्ति बहुत सुंदर नहीं हो सकती। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से इस स्वमान के द्वारा अपनी बुद्धि का विकास करना है। मैं एक प्रैक्टिकल सी विधि बता देता हूँ। माताएं करें अपने बच्चों के ऊपर, बच्चे स्वयं कर लें अगर उनको ज्ञान योग का थोड़ा भी रस है और वो करते हों। दूध ले लें आप जितना आपको पीना हो, दूध का कप सामने रखें, उसे दृष्टि देते हुए 21 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और महसूस करें मेरी आंखों से पवित्रता की सफेद किरणें निकलकर दूध में समा रही हैं। बहुत अच्छी साधना कर लें, 3 मिनट लगेगा आपको। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। बहुत इफेक्टिव शब्द हैं ये, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। दूध में पवित्र किरण समा गई। इसके बाद आप उस दूध को पिए, धीरे धीरे संकल्प करें इस दूध को पीने से मेरी बुद्धि का बहुत विकास हो जाए। करते रहें, ये 21 दिन तक तो अवश्य करें, 3 मास करें तो अति उत्तम होगा। 21 दिन में आपको अपनी बुद्धि में, एकाग्रता में, मेमोरी पावर में बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई देगी, विकास दिखाई देगा। सभी बच्चे कर सकते हैं। जितने बच्चे छोटी आयु के हैं, यदि उन्हें सिखा दिया जाए, माँ बाप या अध्यापक सिखा दें, तो और भी सुंदर होगा। वो सवेरे उठते ही याद करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे पास श्रेष्ठ बुद्धि है, मैं एकाग्रचित्त हूँ। इससे हमारी पवित्रता हमारी बुद्धि का विकास करेगी। न केवल विद्यार्थी, कोई भी कर सकते हैं इस तरह अपनी मेमोरी पावर का, अपनी बौद्धिक शक्ति का, अपनी एकाग्रता का विकास कर सकते हैं। दूध को इस तरह दृष्टि देकर पवित्र वाइब्रेशंस उसमें भरें। हमें ये भी जानना चाहिए, पवित्रता में ही सबसे ज्यादा हीलिंग पावर भी है। हीलिंग पावर का अर्थ है रोगों को ठीक करने की शक्ति। आज जो संसार में बहुत रोग बढ़ रहे हैं, नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, आगे चल के और होंगे, इसका कारण बढ़ा हुआ काम विकार, पवित्रता की नितांत कमी। तो शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति दोनों ही निर्बल पड़ गई हैं। मन से भी जो शक्तिशाली एनर्जी शरीर में प्रवाहित होनी चाहिए वो भी नहीं होती, शरीर की शक्ति भी नष्ट होती रहती है। कहां काम वासना केवल संतान उत्पत्ति के लिए थी, और कहां यह जीवन का एक अविनाशी अंग बन गया है। इससे बीमारियां वृद्धि को पा रही हैं। किसी को मानसिक रोग,
किसी को शारीरिक भिन्न भिन्न तरह के रोग, जितने भी रोग हैं, यदि हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो वो काम विकार से ही उत्पन्न है, क्योंकि इसने ही मन को निर्बल बनाया है। मन के निगेटिव संकल्प भी इसके कारण ही चलते हैं। तो पानी पर और दूध पर यही प्रयोग किया जा सकता है। उसे दृष्टि देते हुए 21 बार संकल्प कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर पिए, पीते हुए संकल्प करें, इसको पीने से, चाहे आप जूस पी रहे हैं, जूस पे भी किया जा सकता है, पानी पे भी, दूध पे भी, इसको पीने से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। उसी रूप में ये पवित्रता के वाइब्रेशंस काम करने लगेंगे। आप चाहें तो दिन में एक बार, 108 बार इस स्वमान को लिख भी सकते हैं। इसको लिखने से मैं परम पवित्र आत्मा हूं, या मैं पवित्रता का सूर्य हूं, इसको लिखने से आत्मा से पवित्र तरंगे ब्रेन को जाएंगे। ब्रेन में कोई ब्लॉकेज हो, ब्रेन की कोई क्षमता कम हो गई हो, कोई केमिकल नष्ट हो गया हो, उसको भी ये भर सकता है। इस पे सभी ध्यान देंगे तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, इस स्वमान को बहुत बढ़ाएं, इससे हमारी पवित्रता में संतोषजनक विकास होगा, हमारी पवित्रता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, क्योंकि हमें संसार को पवित्र बनाना है, हमें प्रकृति को पवित्र बनाना है। तो इस स्वमान में स्वयं को स्थित करके हम पवित्र वाइब्रेशंस भी संसार में फैलाया करें, एक दो बार दिन में, इससे भी हमारी पवित्रता बहुत बढ़ जाएगी। कैसे? संकल्प करें, चलें अभी संसार को पवित्रता की सकास दें और इस स्वमान को बहुत अच्छी तरह से अनुभव में लाएं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं कमल आसन पर विराजमान हूं। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें सारे संसार को और प्रकृति को पावन कर रही हैं। अपने से सफेद किरणें निकलती देखें, आत्मा से, नैनों से, भ्रकुटि से, शरीर के अंग अंग से। बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपने को इस स्वमान की गहराई की तरफ ले चलेंगे। बड़े सूक्ष्म अनुभव इससे होंगे, शरीर पर इफेक्ट, कर्मेंद्रियों पर इफेक्ट। इसको अभ्यास करने से ही हम संपूर्ण रूप से कामजीत बन जाएंगे, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, कामजीत और कामनाओं जीत। संकल्प कर लें आप बाजार में जा रहे हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि गंदे गंदे चित्र देखते हैं, गंदे गंदे लोग दिखते हैं, उससे दृष्टिवृत्ति खराब होती है, हमारे संकल्प चलते रहते हैं। आप बाजार में जाते हैं, आप इस स्वमान के साथ चलें, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मुझे सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, जो भी दिखे उसको पवित्र वाइब्रेशंस दें, गंदे चित्र भी दिखें उन्हें पवित्र वाइब्रेशंस दें। बस संकल्प करें, मेरे मस्तक से, मेरी आंखों से पवित्र किरणें निकलकर सामने पड़ रही हैं, तो दूसरों का इफेक्ट आप पर होगा ही नहीं। कोई कैसी भी आत्मा आपके पास आ जाए,
तमो प्रधान आपके पास आ जाए कोई व्यक्ति, आप संकल्प करें मुझे इससे प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, मैं पवित्रता का देवता हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, बस आंखों से पवित्र वाइब्रेशंस इस पर जा रहे हैं। मुझे एक बात और याद आ रही है, मैं आपको कहना चाहूंगा, बाबा ने ये बात बता दी है कि विनाश काल में जब इस संसार में रोग बहुत बढ़ेंगे, दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होंगी, भोजन पानी भी दूषित हो जाएगा, उस समय तुम्हारे पास रोगियों की लंबी लंबी लाइन लगेगी। आप समझ सकते हैं, डॉक्टर तो होंगे पर दवाई नहीं होंगी। ऐसे में रोगग्रस्त लोग आपके पास आएंगे, आप उन्हें दृष्टि देंगे और उनके रोग समाप्त होंगे, एक साथ ही ये काम होगा, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन बाबा ने कहा ये उनसे ही होगा जो संपूर्ण निर्विकारी हो गए होंगे, जो संपूर्ण पवित्र हो गए होंगे, तो उनकी आंखों से पवित्र हीलिंग वाइब्रेशंस निकलेंगे जो एक साथ सामूहिक रूप से सभी के रोगों को ठीक कर देंगे। तो हम अपनी पवित्रता बढ़ाना चाहते हैं, संकल्पों में, स्वप्नों में, बोल में, कर्म में, दृष्टि की, सुनने की, तो हम सभी स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे पवित्रता को बढ़ाने के लिए। रोज कम से कम एक बार हम पवित्र वाइब्रेशंस अपने अंग अंग को देंगे, जिसकी विधि हम बताए हैं, स्वप्नों को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए सोने से पूर्व दूध को वाइब्रेशंस देकर पीकर सोएंगे। आप दूध न पीते हो, आपके पास दूध न हो, यही प्रयोग आप पानी पर कर लें। पानी का गिलास सामने रखें, 21 बार संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर उसे पिएं। इस संकल्प के साथ कि इस पानी को पीने से मेरी नींद संपूर्ण सत्वप्रधान हो, बस फिर वैसा ही होगा। तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का, अपवित्र फीलिंग को सदा के लिए नष्ट करने का, अंग अंग से विकारी बदबू को सदा के लिए समाप्त करने का ये बहुत सुंदर स्वमान है, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। चलते फिरते आप पवित्रता के लाइट हाउस बन सकते हैं, चलते फिरते हम प्रकृति को सुंदर वाइब्रेशंस दे सकते हैं। तो आओ हम सभी पवित्रता के सूर्य बनकर इस संसार में चमकें, इस संसार के अंधकार को दूर करें। और पवित्रता का सुख इतना बड़ा है कि उसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य आत्मा मान सम्मान के पीछे भी नहीं दौड़ती है। तो सवेरे भी वैसे ही स्वयं को याद दिलाएंगे, उठते ही याद करेंगे, सोते हुए याद करेंगे, स्वीकार कराएंगे स्वयं को, तो हमारी पवित्रता दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। और पवित्रता का सब्जेक्ट सरल होने से हमारा योग का सब्जेक्ट भी बहुत सरल हो जाएगा। सच तो यही है कि जिसके पास जितनी अच्छी पवित्रता होगी उसका योग उतना ही ज्यादा होगा, उसे योग में बैठने की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होगी, बल्कि योगी जीवन उसका जीवन होगा, सदा काल का जीवन होगा। तो हम सभी बाबा के पूर्ण मददगार बनने के लिए अपने स्वमान को बहुत बढ़ाएं, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।